Guys, welcome to my channel. So today I will show you the acrylic material. सब कुछ मैं दिखाऊंगी, जो कुछ भी मैं अभी यूज कर रही हूँ, पहले यूज करती थी, सब कुछ मैं यहाँ सिखाऊंगी. और मैं यहाँ कैनवस से वार्निश तक सब कुछ मैं डिटेल समझाऊंगी, जो कुछ भी मैं यहाँ यूज करती हूँ डेली. Oh my God! ये है रॉयल फाइन आर्ट आर्टिस्ट कैनवस पैड. मैं पर्सनली स्टार्टिंग से डे वन से मैं यही कैनवस पैड्स को यूज कर रही हूँ. एंड दिस इज न्यू वन, आप देख सकते हो है वो, मैं दिखाती हूँ. देखो ये वाला है. मैंने लास्ट मतलब स्टार्टिंग लेवल में जब मैं इसी प्रैक्टिस कर रही थी ना, ये वाले पेंटिंग्स देखो बहुत पुराने हैं भाई. This. ये है मेरा फेवरेट मास्किंग टेप जो मैं कैनवस पर यूज करती हूँ. ये बहुत टाइट रहता है एंड ट्रस्ट मी, अगर आप दूसरे पेपर्स में लगाए ना, वो ये फट भी जाता है. सो आई विल सजेस्ट यू, कैनवस के लिए तो ये बेस्ट है ब्रो. तो आप यूज़ कर सकते हो. एंड मैं नॉर्मली कभी भी साइड्स कभी भी मैं मास्किंग टेप से लॉक कर देती हूँ, क्योंकि फर्स्ट थिंग आपका पेपर मूव नहीं होता है, सेकेंडली आपकी जो पेंटिंग को एक अच्छी सी एक बॉर्डर आ जाती है. अगर आपको वो पेंटिंग सेल भी करना है तो आप मतलब फ्रेम अच्छे से फ्रेम करवा सकते हो, एंड बिकॉज ऑफ दैट स्पेस यू कैन फ्रेम इट वेरी इजीली एंड नथिंग विल बी हिडन. ओके, वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है मास्किंग टेप यूज़ करना. वो आपकी मर्जी है, अगर बिगिनर लेवल बात करें तो वो आपकी मर्जी है, मेरी मर्जी कुछ भी नहीं है. एंड फॉर द प्रो ऑफ कोर्स, अगर उन बिगिनर लेवल को क्रॉस कर लिए तो ऑफ कोर्स आप यूज़ करने ही वाले हो. थर्ड है ये पेंट्स, मेरे पास बड़े हैं. मैं इसके बारे में एक्रेलिक पेंट्स के बारे में स्पेशली एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप जाकर देख सकते हो मेरे चैनल में. इसका लास्ट वीडियो ही है इसके बारे में, सो गो एंड चेक इट आउट. तो आपको बहुत डिटेली वहीं मिल जाएगा. अभी तो मैं इतना बता रही हूँ कि वो ये कैमलिन का मैं इतने साइजेस के यूज़ करती हूँ. अगर आप बिगिनर हो, आप थोड़े छोटे छोटे साइजेस के यूज़ कीजिए. वो वीडियो में मैंने पूरी तरह से समझाया है कि कैसे बिगिनर लेवल टाइप ऑफ मटेरियल्स लेनी चाहिए पेंट्स के लिए, स्पेशली पेंट्स के बारे में मैंने बात की है. अभी तो मैं मटेरियल्स दिखा रही हूँ, देख लो. एंड नेक्स्ट है मेरा पैलेट्स, जो कि मेरे पास बहुत सारे हैं. यू कैन सी मेरा नया वाला भी है, पर बहुत सारे ऐसे पड़े हुए हैं तो ये पूरा धूल धूल हो गया है. आई एम नॉट यूजिंग दिस. और ये तो वाटर कलर का है, मैं वाटर कलर सेशन में बताऊंगा. तो ये पूरे पैलेट से मैं भी पर्सनल जो प्रेजेंट यूज कर रही हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ. वो आपको देखने का है, स्टे टिल द एंड, क्योंकि वो बहुत अच्छा है. एंड ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप लेजी हो, आप वॉश नहीं कर पाती हो आपके पैलेट्स बार बार, एंड यू आर सो टायर्ड ऑफ क्लीनिंग अगेन एंड अगेन योर पैलेट्स, देन वॉच टिल द एंड. मैं लास्ट में बताऊंगी कि पैलेट जो मैं यूज़ करती हूँ वो आपके लेजी कुछ भी हो, आप अच्छे से क्लीन कर सकते हो. वो कैसा है मैं आपको, वो एक ट्रिक है जो कि मैंने खुद बनाया है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी वो क्या है. ये मेरे ब्रशेस तो कितने सारे हैं देखो, आई शो यू. बहुत सारे हैं मेरे पास ब्रशेस एंड इसमें पैलेट्स भी है. अगर आप प्रोफेशनल लेवल्स को ही मैं रिकमेंड करूँगी पैलेट्स के बारे में, बिगिनर लेवल्स को उतना ज़रूरत नहीं पड़ता है. मैं बोल रही हूँ ना, मैं जो आदमी बहुत ही था एंड मैं ऐसी थी कि कुछ भी आ जाए मार्केट में मैं तो खरीदने वाली ऐसी थी मैं, तो मैंने बिगिनर लेवल में खरीद लिया था. अभी यूज़ कर रही हूँ, पहले तो यूज़ करती थी नहीं, अभी यूज़ कर रही हूँ ये कुछ सब कुछ. ये एक्रेलिक में बेनिफिट ये है कि ये अच्छे से फास्टली निकल जाता है, ना तो दूसरे पेंट्स तो निकलते ही नहीं, निकलने का नाम ही नहीं लेते. तो मेरे पास बहुत सारे पेंट्स हैं,
अभी मैं ब्रशेस के बारे में डिटेल वीडियो तो मैं अभी बाद में बनाऊंगी, अभी के लिए तो मैं बस ब्रशेस दिखा रही हूँ। इतने सारे हैं मेरे पास ब्रशेस अप्रॉक्सीमेटली, और भी बहुत सारे हैं पर मैं नया वाला नहीं दिखा रही हूँ। मैं इसकी इसके बारे में कंप्लीट वीडियो अगर आपको होना है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं गाइस मैंने बात की है कैनवस के बारे में, कैनवस के बारे में, टेप के बारे में, पेंट्स के बारे में, ब्रश के बारे में, पैलेट्स के बारे में। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट, तो मैं ये वाला लास्ट आपके ड्राइंग होने के बाद ये यूज़ होने वाला है। एंड दिस इज़ अ वार्निश, आर्टिस्ट पिक्चर वार्निश। तो कभी भी आपकी ड्राइंग जो ख़त्म हो जाती है ना, इसके बाद ये वार्निश डाला जाता है। एंड इसकी मैं एक ही चीज़ बताऊंगी कि ये बहुत अच्छा कर देता है, एंड इट गिव्स अ वेरी शाइनी लुक टू योर पेंटिंग। तो मैं ये बोलूँगी कि यू कैन यूज़ इट, ऑफकोर्स अगर आप बिगिनर हो प्लीज़ डोंट यूज़ इट, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हो एंड यू आर नॉट सेलिंग इट और नॉट डिस्प्लेइंग सो मैनी मटेरियल्स। अगर आपकी पेंटिंग बहुत अच्छी आ गई है एंड यू वॉन्ट टू डिस्प्ले टू समवन और लाइक एक्सेट्रा टू शो अदर पीपल, जब आप यूज़ कर सकते हो एज अ बिगिनर लेवल। अगर प्रो लेवल तो भाई साहब यूज़ कर लो। इसके बारे में मैं दूसरी वीडियो बना दूँगी। सो एंड गाइस, सो गाइस ये है मेरा पैलेट जो मैं यूज़ करती हूँ। मैं नॉर्मल सी पहले मैं ये पैलेट को यूज़ करती थी एंड सी दिस, मेरे को कुछ भी निकलता ही नहीं था। एंड सी दिस, मैंने सोचा कि ये भाई ये तो यूज़ कर सकते। तो मैंने क्या किया, ऐसे एक कवर ले ली ऐसे वाले, जो कि मतलब पेंटिंग्स ड्राइंग्स लगाने वाले रहते ना वो वाले। तो ऐसे कवर करने के बाद आई हैव स्टार्टेड पेंटिंग। तो वो सूखने के बाद मैं रिमूव कर लेती हूँ एंड आई विल जस्ट पील ऑफ। मैं आपको दिखाती हूँ लाइव एग्जांपल। ये मैं कल एक पेंटिंग बना रही थी, उसका जो पेंट है ना ये पूरा इसमें था। सो देखो इतना ईजीली निकल जाता है एंड दिस इज सो सैटिस्फाइंग, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको मैं अच्छे से दिखा, देखो ये कितना अच्छे से निकल जा रहा है, बहुत अच्छे से निकल जा रहा है। एंड यू विल लव दिस, सी दिस। सो मैं ये बताने वाली हूँ, ये बता रही हूँ कि आप कुछ भी एक कार्डबोर्ड ले लीजिए। अगर आपके पास ऐसे कैनवास पैलेट नहीं है तो आप एक कार्डबोर्ड ने तो कुछ भी ले लीजिए और यहाँ एक सिक्योर कर लीजिए। एंड फॉर द बेस, स्पेशली फॉर द बेस यू वांट समथिंग, सो इसमें डालिए एंड यूज इट। ये है सबसे बेस्ट वन। फर्स्ट थिंग, ये ओनली अप्लीकेबल फॉर द एक्रेलिक, ये ओनली एक्रेलिक के लिए चलता है। एंड वाटर कलर्स तो उसकी बात तो अलग ही रहती है, एंड ऑयल ना कुछ भी काम तो नहीं करने वाला है वो, तो वो अलग बात। तो अभी देखो एक्रेलिक कैसे, बहुत आसान है एंड यू कैन वर्क वेरी फास्ट। सो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब तो कर लीजिए। एंड सेकेंड थिंग, अगर आप कोई एक मटेरियल के बारे में डिटेल वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता दीजिएगा। एंड आपको अगर मेरे एक्रेलिक पेंटिंग के ड्राइंग देखने मतलब पेंटिंग देखनी है तो जाकर मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिएगा। फॉलो तो नहीं कीजिए, एटलीस्ट देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कहाँ से कहाँ आई हूँ एक्रेलिक में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू एट नेक्स्ट वीडियो, बाय।